नापाक नीयत से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। अखनूर और छम सेक्टर में सुबह 4 बजे से पाक रेंजर्स की तरफ से दागे गए मोर्टार। पीओके में आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट, सुरक्षा एजेंसियों को लगातार चौकस रहने के निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की सुरक्षा के हालात की समीक्षा, दिल्ली समेत बड़े शहरों और सरहदी इलाकों के लिए अलर्ट जारी। सीमा से सटे राज्यों को खास तौर पर सतर्क रहने के लिए जारी किए गए निर्देश। आतंकी हमलों की आशंका को लेकर करीब 15 दिनों के लिए अलर्ट। एक हफ्ते तक ऑपरेशनल मोड में रहेगी तीनों सेनाएं, कोस्ट गार्ड और बीएसएफ भी अलर्ट पर। यूके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखलाया पाकिस्तान, एलओसी की ओर पाकिस्तानी फौज के 5 बटालियन की मूवमेंट। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकी आका हाफिज सईद ने फिर चलाई नापाक जुबान, कहा भारत से बाकी है 1971 के जंग का बदला। सेना की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर का राग, संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून से व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप करने की अपील। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान ढेर हुए थे 50 आतंकवादी, सैटेलाइट तस्वीरों और रडारों से हुआ खुलासा। पीओके से सटे भारत के आखिरी गांव मकड़ी तक पहुंची आज तक की टीम, इसी गांव के जंगल से शुरू हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक का ऑपरेशन। पुंछ में एलओसी के पास बसे गांव में बने बंकर, बुजुर्गों और महिलाओं को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। पाकिस्तान से सटे बाड़मेर के गांव में बसर सन्नाटा, किसानों को सरहद के पास के खेतों में जाने के लिए नहीं मिल रही बच्ची। जैसलमेर के सीमा से सटे गांव में लगाया गया कर्फ्यू, बीएसएफ के जवानों की आवाजाही बढ़ी। गुरदासपुर बॉर्डर के पास 22,000 एकड़ धान की फसल तैयार, अलर्ट के बावजूद कामकाज में जुटे हैं लोग। 37वीं राष्ट्रीय राइफल के जवान चंदू बाबूलाल चौहान के पाकिस्तान में पकड़े जाने की खबर से परिवार में शोक, सदमे से नानी की भी मौत। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चंदू बाबूलाल चौहान के घर वालों से की बात, परिवार को हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। पठानकोट में शहीद मदन लाल की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सेना के कमांडिंग ऑफिसर, परिवार ने सर्जिकल स्ट्राइक पर जताया संतोष। रीवा में शहीद सुधाकर की पत्नी ने सेना की कार्रवाई पर जताई खुशी, कहा इससे शहीदों की आत्मा को मिलेगी शांति। उन्नाव में शहीद कैलाश यादव की पत्नी ने कहा आतंकवादियों का सफाया करना ही शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। किसान यात्रा पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आज मथुरा में रोड शो, रोड शो से पहले द्वारकाधीश मंदिर में करेंगे दर्शन। शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात, मराठा समाज को आरक्षण की मांग पर विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग। हिमाचल प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की शहाबुद्दीन की बेल, सिर्फ 20 दिनों में फिर से सलाखों के पीछे गए आरजेडी के बाहुबली नेता। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश के शराबबंदी मिशन को बड़ा झटका, पटना हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन को किया रद्द, बिक सकेगी विदेशी शराब। दिल्ली में दर्दनाक हादसा, मारुति वैन की ट्रक से टक्कर, एक परिवार के 8 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। दिल्ली के द्वारका में बुजुर्ग महिला के घर के अंदर संदिग्ध मौत, अब पुलिस कर रही है बेटे से पूछताछ। ग्रेटर नोएडा में टोल टैक्स मांगने पर भड़के युवक, साथियों को बुलाकर टोल टैक्स कर्मचारी को पीटा। आजमगढ़ में बाइक सवार 3 बदमाशों का आतंक, कैशियर से रुपयों भरा बैग लूटकर फरार। सूरत में पैसों को लेकर लेन देन को लेकर कारोबारी की हत्या, 4 दिन से लापता रहने के बाद नहर में मिला नीरज राय का शव। यूपी के मुरैना में डकैतों का आतंक, बंदूक रिवॉल्वर लाठी फरसे के साथ खुद ही पहरा दे रहे हैं गांव वाले। वडोदरा में 19 साल की हिना ने दिखाया बड़ा हौसला, चेन छीन कर भागने वाले एक बदमाश को पकड़ा। बरेली में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या, वारदात के विरोध में कारोबारियों का विरोध, बाजार किया बंद। इंदौर में हाईवे के वर्दी वाले लुटेरे गिरफ्तार, नकली सेल्स टैक्स अधिकारी बनकर करते थे लूटपाट। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सीआईएसएफ के एक जवान ने पत्नी और 8 महीने के दुधमुंही बच्ची के साथ लगाई फांसी, विभागीय जांच के लिए होनी थी पेशी। आज से शुरू हो रहा है नवरात्रों का त्यौहार, माता वैष्णो देवी के मंदिर में आयतित फूलों से सजावट। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी नवरात्र की पहली पूजा, भक्तों ने की आरती। मिर्जापुर के विंध्याचल में विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा, नगाड़ा, घंटा, घड़ियाल के साथ मंगला आरती।
अहमदाबाद में नवरात्र उत्सव की धूमधाम, गरबा पूजा की है परंपरा। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व की शुरुआत 75 दिनों तक मनाया जाता है उत्सव। कोलकाता टेस्ट का दूसरा दिन आज, पहले दिन शुक्रवार को भारत के बल्लेबाजों ने किया निराश, पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने बनाया 239 रन। पुजारा ने 87 और रहाणे ने खेली 77 रनों की पारी, निचले क्रम में अश्विन ने बनाए 26 रन। टॉप बल्लेबाजों ने किया निराश, धवन 1, विजय 9, रोहित 2 और कोहली 9 रन बनाकर आउट। पूरी अटैक के साइड इफेक्ट्स, बीसीसीआई ने आईसीसी से कहा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में भारत के ग्रुप में पाक को नक रखें। दिल्ली के 60 साल के बुजुर्ग गगन खोसला का बेमिसाल हौसला, साइकिल से कर रहे हैं लेह से कन्याकुमारी तक का सफर। उत्तरी कैरोलिना में लगातार 2 दिन की बारिश, शहर की सड़कों पर पानी पानी। टाइफून मेगी की वजह से हुई बारिश से तबाह हुई चीन का फुजियान प्रांत, दुकानों और घरों में घुसा पानी। टाइफून मेगी की वजह से चीन के जिनजियांग प्रांत में बड़ी तबाही, 3 मंजिला हाइड्रो पावर प्लांट जमीन दोज। चीन के शिजुईशान शहर में पाइप में फंसा बिल्ली का बच्चा, फायर फाइटर्स ने पाइप काटकर बिल्ली के बच्चे को बचाया। मैक्सिको में सक्रिय हुआ कोलिमा ज्वालामुखी, आसमान में पसरा धुआं।